आप लोगों को बताना ये चाहेंगे कि कितना ब्लड शुगर लेवल शरीर में होना चाहिए, कब हम कहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई। अगर ब्लड शुगर का लेवल खाली पेट हमारा 125 से ऊपर होता है, 125 से ऊपर, तो हम कह देते हैं कि हमें डायबिटीज का अंदेशा है। अगर वो लेवल खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 से ऊपर होता है तो हम कह देते हैं कि हमें डायबिटीज का अंदेशा है। लेकिन इस टेस्ट को हम सेकेंड टाइम भी रिपीट करा सकते हैं, अगर वो कंफर्म हो जाती है सेम हमारी रीडिंग है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक टेस्ट होता है जिसमें 3 महीने का एवरेज शुगर बताते हैं, जो HbA1c के नाम से बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट एक आजकल डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि इसमें ना फास्टिंग की ना BP की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और ये टेस्ट हमारा अच्छा बता देता है कि हमारा ब्लड शुगर का लेवल क्या चल रहा है। तो इसमें अगर 6.5 से ऊपर है तो हम कहते हैं कि HbA1c की वजह से हमारा डायबिटीज़ का लेवल, डायबिटीज़ की हम रेंज में आ गए। अगर ये 5.7 से 6.4 के बीच में है तो हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ भी आजकल कुछ लोगों में डायबिटीज़ में चेंज ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसका भी अच्छे से ध्यान रखते हैं।